बरेली का मौलाना तौकीर रजा जो है उसने दिल्ली के जहांगीरपुरे के केस को लेकर के कल हमारे प्रधानमंत्री जी को बंटवारे की चेतावनी दी है और साथ ही में हमारे संविधान और कानून पर अविश्वास जताया है। ये इसका नया प्रकरण नहीं है, जनवरी में भी इसने 20,000 लोगों को शुक्रवार के दिन एकत्र करके खुलेआम बोला था कि अगर उसने अपने युवा मुसलमान छोड़ दिए तो हिंदुओं को सर छुपाने की जगह नहीं है। और कल भी उसने ये कहा है कि अगर 7 महीने रह सकते तो हमें एक नया देश दे दिया जाए। ये जो व्यक्ति है, इसकी बातें जो है, जिस तरीके से इसने देश के प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी है, तो हम सबकी नैतिक दायित्व है, हम उसके खिलाफ FIR देने के लिए आए हैं। देशद्रोह का मुकदमा तत्काल प्रभाव से इस पर लगाया जाए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आतंकवाद वाली बातें हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये कोई मौलाना नहीं, ये आतंकवादी है। पुलिस ने कहा है कि जांच करके सुनियोजित तरीके से जहां पर भी कानून के अंतर्गत हो सकती है FIR होगी। अगर FIR नहीं होती है, हम 10 दिन का ये सब सीनरियो देख रहे हैं, 10 दिन के अंदर अगर तौकीर रजा पर कार्रवाई नहीं होती तो मैं स्वयं अपनी टीम के साथ बरेली जाकर के अनशन पर बैठूंगी, क्योंकि ऐसा आतंकवादी और ऐसे आतंकवाद वाले जो बातें हैं ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस देश में प्रधानमंत्री सर्वमान्य है, मोदी जी के विरुद्ध जो भी उनको चेतावनी देने की कोशिश करेगा, एक सैनिक के रूप में हम सबसे पहले उससे लड़ने को तैयार। बच्चा भी कोई हादसा ना हो, बच्चा भी कोई हादसा ना हो, बिल्कुल।